नेपाल से बड़ी खबर आ रही है। नेपाल काठमांडू त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 11 बजे प्लेन क्रैश, 18 की मौत। काठमांडू से पोखरा के लिए जा रही थी विमान मेंटेनेंस के लिए, रनवे पर फिसलने से हुआ बड़ा हादसा। विमान में 19 लोग थे सवार। कैप्टन 37 वर्षीय मनीष साग को मलबे से बचा लिया गया। विमान दुर्घटना से नेपाल में मातम का माहौल। नेपाल में 2010 से लेकर अब तक 12 विमान दुर्घटनाग्रस्त। नेपाल काठमांडू प्लेन क्रैश त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोयर एयरलाइंस का हुआ बड़ा हादसा, 18 की मौत। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे विमान रनवे से फिसलने की वजह से हुआ बड़ा हादसा। 19 लोग थे सवार, 18 लोगों की मौत। विमान के कैप्टन 37 वर्षीय मनीष साग को मलबे से बचाया गया। इलाज के लिए सिंगामंगल स्थित KMC अस्पताल में चल रहा इलाज। नेपाल में हर साल औसतन एक विमान दुर्घटना होती। 2010 से लेकर अब तक 12 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। जनवरी 2023 में एति एयरलाइंस का एक विमान पोखरा के करीब हादसे का शिकार हुआ, जिसमें पायलट सहित 72 लोगों की मौत हो गई थी। 29 मई 2022 को मस्तंग जिले में तारा एयरलाइंस का विमान दुर्घटना हुआ, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा कई हादसे में लोगों की जान गई। काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट सूर्य एयरलाइंस विमान के दुर्घटना के बाद नेपाल गृह मंत्रालय प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए काठमांडू से हमारे संवाददाता अशोक कुमार मिश्रा जुड़ गए हैं। अशोक, आज काठमांडू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो सूर्य एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इस पर क्या है जानकारी? काठमांडू से प्लेन कहाँ जा रही थी और इसमें कितने लोग सवार थे और कितने लोगों की मौत हुई है, और अभी तक प्रशासन इस विमान दुर्घटना को लेकर के क्या ओपिनियन आया है? आज सुबह 11:11 यानी कि इंडियन टाइम 11 बजे जी काठमांडू से पोखरा के लिए जा रही थी वो प्लेन, सॉरी एयरलाइंस करके जी ये प्लेन जा रही थी। वो प्लेन वहाँ चेकअप के लिए, जो सी चेक कहते हैं उसको, मरम्मत संभार के लिए एक महीना के लिए वहाँ पोखरा जा रही थी जी। तो काठमांडू से जब फ्लाइट उसका मैंने रनवे से पिकअप करके जब उड़ने का तैयारी हो रहा था जी, उसके बाद में वो जब रनवे से उड़ा उसके तुरंत बाद ही वही एयरपोर्ट पे ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 19 लोग सवार थे जिसमें 18 लोगों को वही पे मैंने मौत हो गया है, और बाकी जो पायलट जो थे जी रितेश रत्न साग करके एक थे जी वो घायल हो गए हैं, उनका भी उपचार चल रहा है। वही नजदीक एक KMC हॉस्पिटल है, उसी में उनका उपचार चल रहा है जी। तो अभी उनका हालत भी क्रिटिकल बताया जाता है, लेकिन वैसे डॉक्टर लोग बता रहे हैं कि मैंने उनका ऑपरेशन सक्सेस हो गया है जी। तो उसमें 19 लोग जो सवार थे सब प्राविधिक टीम ही थे, उसी एयरलाइंस में काम करने वाले कर्मचारी बताए जाते हैं, लेकिन उसमें एक विदेशी नागरिक भी सवार थे और एक लेडीज और एक बच्चा भी उसमें था। मैंने टोटल 18 लोगों को मौत हो गया है और एक अभी मैंने जो पायलट मेन पायलट थे वो घायल हो गए हैं, उनका उपचार अभी चल रहा है। अशोक जी, एक और सबसे बड़ा सवाल है, नेपाल में 2010 से लेकर अब तक के 12 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, क्या कारण है? नेपाल की सरकार या नेपाल की प्रशासन आए दिन हर साल एक दुर्घटना विमान ग्रस्त होता है, इसको लेकर के प्रशासन का क्या रवैया है? अभी प्लेन दुर्घटना हो उसी के बारे में इमरजेंसी कैबिनेट बैठक बैठा था, उसमें एक मैंने 5 सदस्यीय एक जो महानिर्देशक थे DG एक थे मैंने एयरपोर्ट के, उन्हीं के नेतृत्व में रिटायर थे रितेश लालगढ़ सुमन करके, उन्हीं के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी गठन किया है गवर्नमेंट ने तत्काल, उनको 45 दिन के अंदर में प्रतिवेदन बुझाने के लिए दिया है। उसके बाद में जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के KP शर्मा ओली वो भी एयरपोर्ट में तुरंत दुर्घटना होने के बाद में खुद एयरपोर्ट गए हैं, उसके बाद में वहाँ
सभी कर्मचारियों को निर्देशन दिया है कि मैंने बार बार ऐसा घटना क्यों हो रहा है। प्रशासन इसमें और नेपाल गवर्नमेंट इसमें एकदम कड़ाई के साथ लगा है। गृह मंत्री भी गए थे, पर्यटन मंत्री जो नागरिक उड्डयन मंत्री रहे हैं बद्री पांडे वो भी गए थे, सब लोग गए हैं। उसके बाद में इस बार एकदम निर्देशन कड़ा के साथ ही लागू हुआ है, प्रशासन इसमें एकदम कड़ाई के साथ लागू है और प्रधानमंत्री ने खुद अपना ही जाके वहाँ निर्देशन दिए हैं। और जो आप ये बताए कि मैंने नेपाल में दुर्घटना हो रहा है, इसका भी प्राविधिक कारण कोई नहीं बता सकता है कि मैंने अभी दो बरस पहले भी पोखरा में एक बड़ी हादसा हुआ था, प्लेन दुर्घटना हुआ था, उसमें भी ज्यादा लोगों का मैंने मौत हुआ था। तो इस बार जो गवर्नमेंट अभी ये नया गवर्नमेंट बनी है, इसमें ये गवर्नमेंट एकदम संवेदनशील है और कड़ाई के साथ लागू किया है, मैंने 45 दिन के अंदर में प्रतिवेदन बुझा है। इसमें इस बार ये गवर्नमेंट गंभीर रूप में है, क्योंकि देखिए नेपाल में एकदम पहाड़ी क्षेत्र भी है, दुर्घटना बहुत हो रहा है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय में भी कुछ मैंने वो हो रहा है नेपाल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक कुमार मिश्रा जी। और समाचार भारत के तरफ से इन 18 जो विमान में दुर्घटनाग्रस्त में जिनकी मौत हो चुकी है उनके प्रति की श्रद्धांजलि, और ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी, और इस खबर पर ध्यान बनाए रखना, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।